आज हम लोग पोटोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। पोटोमीटर आप एक्सपेरिमेंट में यूज करते होंगे। इसमें देखेंगे कि पोटोमीटर जो ऑपरेटर है उसका यूज क्या है। इसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इसके द्वारा मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करते हैं, पोटोमीटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मेजर होता है। और इसका एक और नाम है, यानी पोटोमीटर आल्सो नोन एज ट्रांसपायरोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, पोटोमीटर को ट्रांसपायरोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ट्रांसपायरोमीटर किसके लिए काम करता है, क्या करता है, ठीक है। तो जो पोटोमीटर करता है वही वही है, क्योंकि एक ही नाम है। तो ये क्या करता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर करता है। इसमें लिख सकते हैं आप, यूज इन द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। यानी ट्रांसपिरेशन के रेट को मेजर करता है। पोटोमीटर क्या करेगा या ट्रांसपायरोमीटर क्या करेगा, एक ऐसा ऑपरेटर्स जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर करता है। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इसमें देखते हैं, स्टोमेटा से वाटर वेपर के फॉर्म में जो बाहर निकलता है उसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जो दिन के समय में होता है, स्टोमेटा ओपन हुआ, जिसे आप फिगर में देख सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन किसको कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, तीसरा पॉइंट नोट कर लेते हैं, वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा निकल रहा है, यानी स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर बाहर निकलता है, उसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये जो पोटोमीटर है ये कैसे एक तरह से वर्क करता है, इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। पोटोमीटर मेजर द रेट ऑफ क्या करेगा, ये ट्रांसपिरेशन के रेट को मेजर करता है। तो जो वाटर अपडेट होगा, मेजर ऑफ वाटर अपडेट विच इज इक्वल किसके बराबर होगा, जो वाटर लॉस होता है यानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस होगा उसके बराबर होगा, यानी इक्वल टू द रेट ऑफ वाटर लॉस। जो पानी निकल गया किसके थ्रू, थ्रू ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि रेट ऑफ वाटर अपडेट विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ वाटर लॉस, यानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो लॉस होता है वो इसके द्वारा पता चल जाता है। इसीलिए पोटोमीटर का उपयोग इसके लिए करते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के लिए करते हैं। और इसका एक और नाम है ट्रांसपायरोमीटर, इसको यानी पोटोमीटर इज आल्सो नोन एज ट्रांसपायरोमीटर, ठीक है। अब देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन तो पता ही है,
कि स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, यानी स्टोमेटा ओपन होता है तो ट्रांसपिरेशन होने लगता है। और ये तीन प्रकार के होते हैं ट्रांसपिरेशन, आप देखेंगे स्टोमेटल होता है, क्यूटिकुलर होता है, लेंटिकुलर, ये सब जानते हैं आप। तो मेन मकसद है कि पोटोमीटर जो अपरेटस है उसका काम क्या है, तो मेन काम क्या है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर करना। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि कैसे स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी वाटर वेपर एमिट हो रहा है, निकल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। और उस रेट को मेजर कौन कर रहा है, पोटोमीटर या ट्रांसपायरोमीटर, यानी ट्रांसपिरेशन के रेट को या कैसे कितना निकल रहा है उस रेट को पोटोमीटर मेजर कर रहा है। और पोटोमीटर को ही एक और नाम दिया गया है ट्रांसपायरोमीटर। तो ट्रांसपायरोमीटर ट्रांसपिरेशन से लेते तो ये इजीली याद हो जाता है कि ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मेजर करेगा। पोटोमीटर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा समझाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं। अब क्लियर हो गया होगा आपको, इसको नोट कर लेंगे।